कार्यक्रम केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति वस्तु और विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। Hello and good evening. Welcome to newsroom. Now we'll talk about tense. Tense are three types: future tense, past tense, and present. मेरा नाम वीरपाल भाटी है। कहने का मतलब मैं आपका स्वागत है। तो आज जो बड़ी मुश्किल से हम रद्दी इकट्ठी करके लाए हैं, इनमें से दो न्यूज निकालिए। तो अरविंद, कहने का मतलब है मैं आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया, सबको कर रहा हूँ नमस्कार, कर लियो। हाँ नमस्कार अरविंद। आज हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो आज की आरके एक्सपोज हुआ है, दूसरा आज आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है। इस बात का मुझे गर्व है। उसके लिए स्कोप क्या है, क्या उम्मीद रखे? सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। इसके हिसाब से तो सानिया पूजा, ये शक्ति कपूर, ये दिग्विजय सिंह है, इनके मन में ये बात आ रही होगी। जरूर आएगा कि यार आम आदमी पार्टी भी ऐसी हो गई, इसमें भी इस किस्म के लोग आते हैं। सूत्रों से पता चला है कि केआरके अब संदीप को हटा के आम आदमी पार्टी माना चाहता है। क्यों? किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। अच्छा, गलत काम से याद आए हो, कुछ दिन पहले 110 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा गलत काम हुआ, आपने देखी मोहनजोदड़ो? ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, बढ़िया भैया। अब जब तुम ये हरकतें करते हो, बता तुम्हारी पार्टी वालों को दुखना होता होगा इस बात का? मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करता। घात का तो पता ना भैया, लेकिन विश्वास ने तुम्हारी पार्टी में पूरी पकड़ बनाई थी। वैसे अरविंद, तुम्हें दिल्ली में 2 साल हो गए, उसके लिए तुम्हें कांग्रेस मतलब कांग्रेस। मुझे आप 2 साल में अपने 2 मंत्रियों की थग लाइफ मूवमेंट बताओ। हमारे 1 मंत्री है जिन्होंने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, और इस बात का मुझे गर्व है। मंत्री पे आरोप लगा फर्जी डिग्री का, मुझे गर्व है। लौंडा संदीप कैसे पकड़ा गया? उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। जब अभिनेता कोई काम करे तो पर्दे पे करे, और जब नेता कोई काम करे तो वहाँ पर पर्दा डालना पड़े। केआरके साहब का अभी व्हाट्सएप पे मिस कॉल आया भैया, फोन मिल जाए। हाँ सरकार। सरकार हम ना, सरकार दिल्ली में बैठी है 2 साल से चुप। इस बात का मुझे गर्व है। डट जा मका, डट जा, गर्व है। वो सब ठीक है, कहाँ डोल है? फर्स्ट क्लास। कहाँ, कहीं बाहर गए थे? अरे दिल्ली में बारिश ना पड़ी अभी तो हमारे दादा के घुटनों में पानी भर गयो, तो आज निकलवाने में लगे हुए। आज ही आए? आज तो आप आए और ये बैठे आप। सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो भाई कमाल भाई, आपने कोई खबर सुनी है आम आदमी पार्टी के बारे में? हाँ हाँ, बीच में न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। अरे उसमें तुम्हें नाम पता है? 2 नाम थे उसमें। क्या क्या नाम था? एक वो नाम बताएंगे ये भैया, संदीप कुमार जी। संदीप की फोटो क्यों डाले सोशल मीडिया पे? मैंने क्या डाल दिया कल? अरे डाले ना तुमने, बात कर रहे हो। कहाँ डाल दिया मैंने? गूगल प्लस पे तुमने डाले, फेसबुक पे तुमने डाले, और कहा गया ट्विटर पे तुमने डाले, और तो तुमने टिंडर पे डाल दी वहाँ के फोटो। तो वो तो 2-3 दिन पहले की बात है, कल का कहा है वो? तो दिग्विजय के तुम्हारा फूफा लगा है, बाकी फोटो क्यों डाले सोशल मीडिया पे? देखो उसका तो मैं फेवर करूंगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई। क्यों करना पड़ेगा फेवर? जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। काट दियो कमाल भाई, काट दियो। अरे असल भैया सही है भैया, अगर ये जो फोटो है सोशल मीडिया पर ना डाल के आपको डायरेक्ट सीडी पकड़ा दी होती तो आप कहा करते बात को? हम छुपा जाते, उसको बताने की क्या जरूरत थी? इमेज खराब होती है पार्टी की, हम भी ना बताते। तो कमाल भाई, ये आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हम तो, अरे हम आपका तो हम बिना पेक किए सपोर्ट करते, लेकिन आपका हीरो तो मतलब उसका क्या नाम है, मैं उसके बर्थडे पे शायद SMS भेजा था, उसका रिप्लाई तक नहीं करता। तो मैं इनके फोनों का रिप्लाई क्यों नहीं करते? मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। तुम भी एक्सपोज हो गए, और आप तो पहले से एक्सपोज हैं, तो आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट क्यों ना कर रहे हैं? वो आप बोलोगे कर देंगे भाई जी, कोई प्रॉब्लम। अब कमाल जो है पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे कुछ कहना है? गर्व है, गर्व है, गर्व है। जय हिंद, जय हिंद। पेमेंट करा दो भाई, पेमेंट कर कराएगा। हमारे चैनल पर कहते देसी चीज आ रही है, देसी ह्यूमर सारा। लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलियो कोई भी। ये ना बताएगा कहने का क्या मतलब है, देखना पड़ेगा। अबे आप भी देख लो कहने का मतलब है।